थाना इज्जत नगर क्षेत्र में एक अवैध शस्त्र बनाने की फैक्ट्री चल रही है, जिसको दो लोग संचालित कर रहे हैं। तो हम लोगों ने अपने मुखबिर की सूचना के आधार पर हम लोगों ने वहाँ पर रेड की और उस अवैध शस्त्र फैक्ट्री को हम लोगों ने वहाँ पर जो दो लोग थे वो गिरफ्तार कर लिया। उसके अलावा जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स थे जो यूज़ हो रहे थे उसको बनाने के लिए, जो तमाम मशीन स्प्रिंग इत्यादि, उन सबों को हम लोगों ने कब्जे में ले लिया है। और उसके अलावा 10 तमंचे भी हम लोगों को बरामद हुए हैं, जिसमें से कि 5 315 बोर के हैं और 5 12 बोर के हैं। मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और उनको न्यायिक हिरासत में लिया गया है। उसमें से एक जो सलीम है उसका आपराधिक इतिहास अभी तक सामने आया है, जिसमें कि वो आंवला से भी सिमिलर मामले में ही अवैध शस्त्र फैक्ट्री चलाने में ही जेल जा चुका है। इसके अलावा एक NDPS का भी मामला उसके ऊपर दर्ज है और दूसरे नबी हसन जो व्यक्ति है उसका आपराधिक इतिहास हम लोग और खंड जानना चाहेंगे। सप्लाई कहाँ? देखिए, इनका ये कहना है कि कुछ लोगों के नाम इसमें सामने आए हैं जो कि ऑर्डर देते थे और उन ऑर्डर्स के आधार पर ये लोग बनाते थे। उनकी भी गिरफ्तारी, उनको भी हम लोग वांटेड बना रहे हैं और उनकी भी गिरफ्तारी जल्दी सुनिश्चित की जाएगी। कब से सर हथियार बना रहे थे? ये लोग बेसिकली रहने वाले बरेली के हैं और इसके पहले वहाँ भी इनका ऑपरेशनल एरिया रहा था। उसके बाद जैसे जैसे अगर पुलिस को सूचना मिल जाती है इनके बारे में तो ये अपने ठिकाने बदल देते हैं, क्योंकि इनका जो भी प्रोडक्शन फैसिलिटी होती है बहुत छोटी सी होती है, वो तुरंत उसको पैक करके वो चेंज कर देते हैं अपना ठिकाना। और जो आउटस्कर्ट्स होते हैं जैसे जंगल वगैरह इस टाइप के जो एरिया होते हैं वहाँ पर ये अपने ठिकाने बनाते हैं। तो बदायूं से फिर ये लोग शिफ्ट होकर इज्जत नगर एलादपुर एरिया है, जो थोड़ा वहाँ जंगल का एरिया भी पड़ता है, क्योंकि वो मतलब नॉर्मली पब्लिक वहाँ आवागमन कम रहता है, तो इसलिए उस एरिया को उन्होंने टारगेट किया था और हमें जैसे ही सूचना मिली हम लोगों ने तुरंत उनको गिरफ्तार किया। वो मेरे पास दे दो बाइक है, कल लो कर लीजिए। तो सर एक मिनट कर लो, कर लो। सर एक खाना सुभाष में का मामला है, क्या पूर्व सो मामला ये है कि एक लड़की जो कि सैटेलाइट से ऑटो पकड़ के अपने पीलीभीत जाना चाहती थी, उनको एक लड़के ने आके ये कहा कि रात में आप मत जाइए और ऑटो में लूटपाट या छिनती जैसी घटनाएं आपके साथ हो सकती है। उसके बाद लेडी के हिसाब से वो लड़का उनको ले गया एक होटल में, उनके साथ उसने दुष्कर्म किया। और उसके बाद जैसे ही पुलिस को इस चीज़ की सूचना मिली हम लोगों ने तुरंत इसमें एक मुकदमा दर्ज कर लिया है और उस होटल से जो हमें ID मिली है और जो डिटेल्स मिले हैं लड़के के, उसके आधार पर हम लोग लड़के की तलाश कर रहे हैं और जल्दी ही उसको हम लोग गिरफ्तार कर रहे हैं। कितने लोग थे लगभग? हम दो जन। कहाँ से पकड़े गए? थोड़ा पीछे आ जाए ना, मतलब हाँ भैया प्रेस नोट।